उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कदली वृक्ष छेदन के बाद दुर्गा पूजा का पहले चरण की पूजा की शुरुआत हो गई है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा दुर्गा मंदिर दिनेशपुर में देवी दुर्गा मां की झांकियों के साथ हरिचंद गुरुचंद मंदिर से पूरे दिनेशपुर नगर की परिक्रमा करने के साथ दुर्गा मंदिर प्रांगण तक क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि एवं माँ के भक्तों के द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद रात्रि 11:07 पर कदली वृक्ष छेदन की प्रक्रिया कर क्षेत्र के 5 स्थानों पर विधि विधान के साथ केले के पेड़ को काटते हुए माँ के भक्तों के द्वार सर पर कच्चा केला लेकर मंदिर में रखा जाता है। आज से 5 दिन बाद इसी केले को देवी माँ के प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। आज से 5 दिन बाद दुर्गा मंदिर दिनेशपुर में भव्य मेले का भी आयोजन किया जाएगा। रात्रि को कोलकाता, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति देंगे। जय मां दुर्गे। आज दुर्गा पूजा 2024 दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत कदली छेदन कार्यक्रम था। कदली छेदन कार्यक्रम के तहत आज केले के वृक्ष को काट कर मंदिर में स्थापित किया गया है और आश्चर्यजनक तरीके से आज से 5 दिन बाद ये केले का परिषद जो है, केले का फल जो है, अपने आप पक जाता है। और सब षष्ठी पूजा से 9 अक्टूबर से हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा की शुरुआत, इस वर्ष की पूजा की शुरुआत होगी। 5 दिवसीय पूजा के उपरांत इस मैदान पर, यहाँ पे जो ये आप परिसर देख रहे हैं, इस परिसर में 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। और ये केले काटा का प्रचलन जो है, उसके बिना दुर्गा पूजा अधूरा होता है। और ये प्रसाद जो है मंदिर में प्रसाद के स्वरूप माँ भगवती के चरणों में चढ़ाया जाता है। आपको बता दूं कि इस बार जो है यहाँ पूजा आयोजन का 65वां वर्ष है। बीते 64 साल से यहाँ पे पूजा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और इसके अलावा पूरे हमारे इस दिनेशपुर क्षेत्र में 8 स्थानों पर महामाई की पूजा हो रही है। सबसे बड़ी पूजा यहाँ पे है, सबसे बड़ी पूजा का यहाँ पे आयोजन हो रहा है। अब यहाँ पे इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें जो है पूरे उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से कलाकारों को बुलाया गया, टीमों को बुलाया गया है। और यहाँ पे उसका जो है कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई, आयोजन समिति का गठन कर लिया गया है। इंद्रजीत मंडल के नेतृत्व में इस बार महोत्सव समिति का गठन किया गया है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैदी के साथ यहाँ पे अपना जो है व्यवस्था देख रही है। इसके अलावा सारी व्यवस्था यहाँ पे ठीक ठाक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।